हेलो, मैं हूं अव्वल। एक एक समोसा खाने चले? अरे मैं धीरे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर मेरे घर वालों ने सुन लिया तो दिक्कत हो जाएगी। कुछ भी जंक फूड अलाउड नहीं है ना। सवाल पे वापस आते हैं। मैंने आपसे पूछा कि समोसा खाने चलें क्या? या तो आपका जवाब होगा हाँ या फिर ना। अगर आपका जवाब होता हाँ तो आप इसे इंग्लिश में कहते यस आई एम रेडी, मतलब हाँ मैं तैयार हूं। पर आपको पता है कि ये सब वर्ड्स अब पुराने हो गए हैं। आई एम रेडी, आई एम नॉट रेडी या फिर क्वेश्चन के रूप में आर यू रेडी या आर यू नॉट रेडी। सो देखते हैं कौन से ऐसे मॉडर्न वर्ड्स हैं जो आपकी हाँ और ना के लिए यूज किए जा सकते हैं। मतलब वही होगा यस आई एम रेडी, बस वर्ड्स मॉडर्न होंगे। सो जब आपने मेरे साथ समोसा खाने के लिए हाँ कहा तो एक तरह से आपके कहने का मतलब था कि हाँ आप मेरे इस प्लान में शामिल हो, इस समोसा खाने के प्लान में मेरे साथ हो। इस बात को अगर इंग्लिश में बोला जाए तो आपने कहा कि आई एम इन दिस प्लान। और मॉडर्न इंग्लिश में इसे और भी छोटा करके कहते हैं आई एम इन। आई एम इन का मतलब है कि मैं इस प्लान में, इस काम में या इस आइडिया में आपके साथ हूं, मैं इस काम में शामिल होने को तैयार हूं। सो जैसे मेरे सवाल के जवाब में आपने कहना है आई एम इन, इसी तरह से इन वर्ड्स को यूज करते हुए एक क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है आर यू इन, मतलब क्या इस काम में आप साथ हैं, आप शामिल होने को तैयार हैं। और साथ में आपको बताना पड़ेगा कि आप किस बारे में पूछ रहे हो, किस बारे में बात कर रहे हो। सो पूरा सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा आर यू इन फॉर अ समोसा, क्या आप भी समोसा खाओगे। आर यू इन फॉर द पार्टी ऑन संडे, क्या आप संडे को पार्टी में चलोगे। आर यू इन फॉर एन आइसक्रीम, एक एक आइसक्रीम हो जाए। आर यू इन फॉर द क्रिकेट मैच टुमारो, क्या आप कल के क्रिकेट मैच में शामिल होंगे। सो इन वर्ड्स को एक सवाल की तरह पूछते हुए सबसे पहले हमने लगाया आर यू इन, और उसके बाद लगाया फॉर, और उसके बाद उस काम का जिक्र किया जिसके बारे में आप सामने वाले को पूछ रहे हो, जैसे कि समोसे के लिए या पार्टी के लिए या आइसक्रीम के लिए या क्रिकेट मैच के लिए। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको सिर्फ इतना ही कहना है कि आई एम इन। आपको पूरा आंसर देने की जरूरत नहीं है क्योंकि जाहिर है कि किस बारे में बात हो रही है। और ये भी जरूरी नहीं है कि अगर सामने वाले के क्वेश्चन में आर यू इन आता है तभी आपने आई एम इन वाला आंसर देना है। आप आई एम इन किसी भी ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो जिसमें सामने वाले ने आपसे पूछा है कि आप उस काम में साथ हो कि नहीं। डू यू वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट विद अस, क्या आप हमारे साथ क्रिकेट खेलना चाहोगे। आई एम इन। कुड वी वॉच अ मूवी टुगेदर, क्या हम साथ में मूवी देख सकते हैं। आई एम इन। शुड वी ईट अ पिज्जा टुगेदर, एक पिज्जा हो जाए। आई एम इन। अब बात करते हैं कि अगर आपने समोसा खाने जाने से मना कर दिया होता तब आप इंग्लिश में क्या बोलते। आप बोल सकते हो आई एम नॉट इन, या फिर आप बोल सकते हो आई एम आउट। वैसे आई एम आउट ज्यादा चलता है पर दोनों ही सही हैं और दोनों का ही मतलब है कि मैं इस प्लान में शामिल नहीं हूं, मैं साथ में नहीं हूं। आई एम आउट भी वैसे ही बना है जैसे आई एम इन। सो आई एम आउट ऑफ दिस प्लान को शॉर्ट में आई एम आउट बना दिया गया है। और किसी भी बात को मना करते हुए थोड़ा पोलाइट रहना ही अच्छा होता है। सो आप ऐसे भी बोल सकते हो सॉरी आई एम आउट। डू यू वॉन्ट टू अटेंड दिस पार्टी, क्या आप इस पार्टी में शामिल होना चाहते हो। सॉरी आई एम आउट। Should we all chip in to buy a new bat? क्या हम सब पैसे डाल के एक नया बैट खरीदें? Sorry, I am out. Are you in for a pizza? एक पिज्जा हो जाए। Sorry, I am not in. कुछ और वर्ड्स भी हैं जिनका मतलब है I am ready. और वो वर्ड्स हैं I am game और I am up for it. दोनों का ही मतलब है मैं इस प्लान में शामिल होने को तैयार हूं, मैं इस प्लान में आपके साथ हूं। तो आप आई एम रेडी फॉर इट बोलो या आई एम इन बोलो या आई एम गेम बोलो या आई एम अप फॉर इट बोलो, सबका मतलब एक ही है। एक और बात बताता हूं, जब कोई चीज इस दौर के फैशन में होती है, ट्रेंड में होती है, बहुत चल रही होती है तो उस चीज के बारे में कहा जाता है इट इज इन। एग्जांपल्स देखते हैं। ऑरेंज कलर इज इन, मतलब ऑरेंज कलर आजकल फैशन में है, बहुत चल रहा है। डेनिम जीन्स आर इन, मतलब डेनिम जीन्स आजकल फैशन में है, ट्रेंड में है। इसी तरह से जब कोई चीज फैशन में नहीं होती,
उसका दौर, उसका ट्रेंड खत्म हो चुका होता है तो कहते हैं इट इज नॉट इन. एग्जाम्पल्स, वीडियो कैसेट्स आर नॉट इन. वीडियो कैसेट्स का ट्रेंड अब नहीं रहा. केबल टीवी इज नॉट इन. केबल टीवी का दौर अब खत्म हो चुका है. मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप कभी ना कभी मेरे साथ समोसा खाने का प्रोग्राम बनाओगे. मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग इंग्लिश लेसन्स के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. बाय बाय.